हमारे दरमियान कराची प्रेस क्लब की अदबी कमेटी के चेयरमैन मोहतरम अलाउद्दीन अहमद खानजादा साहब तशरीफ़ रखते हैं। आइए, आप मसरत पर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि आपका इंतज़ार किया जा रहा था। खालिद इरफान हमारे दस्ते के कप्तान हैं, जर्नल हैं। ये अलग बात है कि इनकी जो कमान है वो गायबाना तौर पर है। इस शहर का अलमिया यह है कि लीडर सियासी हो या अदबी, बाहर से ही कमान करता है। खालिद इरफान कराची की पहचान, पाकिस्तान की पहचान, उर्दू अदब की पहचान, जिस तरह खालिद इरफान का इनकार मुमकिन नहीं है, उसी तरह इनका इजहार भी मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये चाहे कि खालिद इरफान का इनकार कर दे तो कर दे भाई, इसी तरह इजहार भी नहीं हो सकता। हमारी ये खुशनसीबी है कि हम इनसे इस्तफादा किए हुए हैं, ये हमें जानते हैं। सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि ये हमें जानते हैं। बहुत सारे लोग खालिद इरफान को जानते होंगे, और खालिद इरफान को तो पूरी दुनिया जानती है, उन्हें अपने आप को बताने की और कहने की और साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस बात की ज़रूरत है, और हम इस बात पर बजा तौर पर फ़ख्र करते हैं कि खालिद इरफान हमें हमारी शक्ल और हमारे नाम से जानते हैं। खालिद इरफान साहब कराची तशरीफ़ लाए हैं, और यह तशरीफ़ इनकी किसी से पूछ के नहीं, इनका शहर है, जब चाहें आए और जब चाहें मत आए। लेकिन ये अक्सर आते हैं, कई दो एक साल के बाद तो ज़रूर आते हैं, है? दो साल के बाद आते हैं, और जब आते हैं इस शहर के दर्द, कर्द, अलम और मुसीबतों में कुछ कमी वाक़ हो जाती है। ये लोगों को हंसा के जाते हैं, बहुत सारे लोगों को फंसा के जाते हैं, लेकिन सारे दिन बाद लोगों को हंसा के जाते हैं, और अल्लाह ताला इनको इसका अजर अता फरमाए। हम कराची आमद पर इनके ममनून इसलिए भी होते हैं कि ये कराची आते हैं, अच्छा इसलिए भी नहीं होते हैं कि इनका शहर है, अगर ये ना आए तो हम क्या कर लेंगे भाई। ये आए हैं, इनकी मेहरबानी है। लेकिन देखें, बड़ी बात यह है कि अमरीका जैसे मुल्क में रहकर इतनी आसूदा हाली के बावजूद खालिद इरफान अपने शहर को नहीं भूले, अपने लोगों को नहीं भूले, अपने तमद्दुन को नहीं भूले, और अपनी उस बिसात को नहीं भूले कि जिस बिसात की बुनियाद पर खालिद इरफान खालिद इरफान है। खालिद इरफान जो हैं वो कलम कबीले में नामानूस नहीं हैं, इंतहाई मानूस हैं। और ये तो अब चूँकि बैनुल अक़वामी तौर पर भी और मकामी तौर पर भी कोई फ़र्द जो कलम से, अदब से, पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ रखता है, वो चाहे मजाह पढ़ता हो या मजाक पढ़ता हो, वो मजाह करता हो या मजाक करता हो, खालिद इरफान से वाकिफ़ हुए बगैर रह नहीं सकता। ये उनका प्रॉब्लम। हम इनकी शायरी के मोतरफ़ हैं, हम उसके नाकिद नहीं हैं, हम उसके मुतसिफ हैं, और इसलिए कि तनकीद के लिए जिस पर तनकीद की जा रही है उससे ज़्यादा साहिब इल्म होना ज़रूरी है। और हम ये समझते हैं कि जब हम खालिद इरफान से ज़्यादा साहिब इल्म हो जाएंगे तो ज़रूर तनकीद भी करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। शादाब एहसानी साहब हो सकता है कर सकते। बहुत शुक्रिया और आपकी आमद का, और यहाँ मेरा इजहार ख्याल जो है वो यूँ कह लीजिए कि मुझे उस सफ़ में खड़ा कर दिया, मेरा कद बढ़ा दिया। आप तमाम सामईन का और ख़ास तौर पर साहिबान मस्नद का शुक्रिया। एक आपको इत्तला करेंगे इंशाअल्लाह ताला कराची प्रेस क्लब में भी खालिद इरफान के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद हम मुरतब कर रहे हैं, और वो सीगाए राज में इसलिए रखी जा रही है कि बहुत सारे लोगों को नहीं बताएंगे, वरना बहुत सारे लोग आ जाएंगे।